सही लगती है ना? बता दे, मार्केट जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे सारे देख रहे हो जैसे कि आप, क्या हो रहा है भैया? ये स्टिकर फिलिंग हो रहा है, स्टिकर कटिंग हो रहा है, देख लो। तो फ्रेंड्स, आज भैया के पास आया था कुछ स्टिकर बनवाने के लिए, तो ये है वो स्टिकर। तो यहाँ फेस की मुस्कान देखो, चमक देखो लंडी की, क्या बात है भाई। तो की रिपोर्ट है, चलो देखो यहाँ पे लगवाने पड़े। और ये यहाँ पे भी अच्छे लुक दे रहे हैं, सही लग रहे हैं ना? यहाँ पे भी सही लग रहे हैं। और ये ना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हमने कुछ और मोड्स करवाए हैं अपनी बीस्ट पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इस बीस्ट को फिर से वॉक अराउंड करवाता हूँ आप लोगों का। और मैं सही बताऊँ ना, जितने ब्लॉग बना दूँ ना इसके उतना ही काम है, मतलब यार इससे तो मेरा मन भरता ही नहीं बिल्कुल भी। और बहुत से लोग बोलते हैं यार हमारा तो इस बाइक से मन भर गया, हमारा इस बाइक से मन भर गया, मेरा तो मन नहीं भरा यार, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो चलो क्या क्या मोड्स कराए हैं वैसे थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ रखा हूँ आज भैया के पास। तो भैया कैसे हो? ठीक है दोस्त, मिट्टी की खरगोश। तो भैया क्या काम हो रहा है पहले ये बता दो। यहाँ पे स्टिकर कटिंग हो रहे हैं, देख लो। तो फ्रेंड्स, आज मैं भैया के पास आया था कुछ स्टिकर्स बनवाने के लिए, तो ये है वो स्टिकर्स। और यहाँ पे हो रहा है। ओके, और भैया कोई नया फॉन्ट बता रहे थे आप, कौन सा फॉन्ट आ रखा है नया? क्या बात है। तो आप जैसे कि देख रहे हो, मैं स्टिकर्स बनाने की काफ़ी दिन से सोच रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सोनू भैया के पास जाया जाए और सोनू भैया के पास ज़रा सोनू भैया की सहायता ली जाए। तो स्टिकर वहाँ पे कटिंग हो रही है और यहाँ पे स्टिकर्स हैं, दो स्टिकर्स हैं, एक है रेस डायनामिक्स और एक है हमारा टीवीएस पावर पार्ट्स। ओके, तो ये तो काम हो जाएगा, उस काम के बाद मैं बताऊँगा आपको फाइनल रिजल्ट शाम को बाइक में चिपकाने के बाद। ठीक है भैया? ओके। तो यहाँ पे सारे देख रहे हो जैसे कि आप, क्या हो रहा है भैया? ये स्टिकर फिलिंग हो रहा है आपका। अच्छा, ओके। ये रेडियम होता है, रेडियम शाइन करता है, रेडियम शाइन करता है, ओके। जैसे हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप ये देख रहे हो हॉर्स, ये टीवीएस का मतलब मेन लोगो है, ये ना बहुत कम आपको दुकानों में मिलेगा, पर यहाँ पे भैया ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है, ये लोगो मिल गया मुझे। ओरिजिनल फोन है, ओरिजिनल फोन है, हाँ। टीवीएस भी जो लिखा हुआ ना, ये भी ओरिजिनल फोन है, ओरिजिनल फोन है, देखो ये देखो क्या मैचिंग कर रही है ना, और ये भी टीवीएस का लोगो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। कटिंग भी देखो छोटे में भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत फिनिशिंग से कटिंग हुई है ना, एकदम शार्पनेस के साथ हो रही है पूरी कटिंग देख रहे हो जैसे कि। और भैया रेडियम रात में इतना ज़्यादा शाइन क्यों मारता है? जैसे नॉर्मल वाइट में चिपकाता हूँ ना, तो वो इतना शाइन नहीं मारता। रेडियम होते चमकने के लिए यार। ओके, तो ये है अपने स्टिकर्स, अब इन्हें हम लगाएंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। सो लोकेशन चेक मारो, और ये अपना भाई, क्या हाल है जी? तो सार भाई, ये इस पर मोड जो करवाए थे उसमें आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया था, तो सार सही थे ना, मतलब जो करवाए थे स्टिकर वगैरह, मज़ा आ गया था ना भाई? सोने पे काम ऐसे करते हैं। और ये फाइनली अपनी बीस्ट देख लो। तो भाई अपनी बीस्ट कुछ इस तरीके की लग रही है, और भाई ये लुक है यार बीस्ट का, मतलब देख के यार मज़ा ही आ जाता है कि यार सही में सही लगती है ना। बता दो, मार्केट जाते हैं तो क्या होता है? सही बोला, इससे रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो क्या करवाया, जैसे कि आप देख रहे हो इसके अलॉय व्हील पे हमने कराया टीवीएस पावर पार्ट्स। मैं सच बताऊं तो मेरे अलॉय पे स्टिकर चिपकाने का कोई मन था नहीं, मैं कुछ भी मतलब ऐसे सोच के नहीं गया था कि अलॉय पे स्टिकर लगवाएंगे, मैं सोचने गया था यहाँ पे स्टिकर लगवाएंगे। पर मैंने जल्दीबाजी में क्या करा कि मैंने इसके जो फॉन्ट हैं वो तो सही चुने, पर जो इसका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा चुन लिया, इस चक्कर में मेरे को यहाँ पे लगवाने पड़े। और ये यहाँ पे भी अच्छे लुक दे रहे हैं, सही लग रहे हैं ना? देखो यहाँ पे भी सही लग रहे हैं। और ये ना रेडियम वाले हैं जो तुषार की बाइक में लगाए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी वाइट है ना, तो ये रात में बहुत ज़्यादा शाइन मारते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से, और चलते भी और अच्छा लुक आएगा, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक मैंने लगाया है घोड़ा, यहाँ पर मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से कोई स्टिकर लगाने का, पर मुझे ये मिल गया, तो सोनू भैया के शॉप से ही करवाया था मैंने सारा काम, जैसे कि आपको पता ही, आप देख लेना। उसके बाद दिव्यांश ब्लॉग को हमने लिखा था, अब मैंने रेस डायनामिक, जैसे आपको पता है रेस डायनामिक्स मैंने लिखाया था, पर रेस उसमें आने पा रहा था पूरा, इसलिए डायनामिक लिखा है, तो यहाँ पे डायनामिक लिखवा दिया। ओके, बाकी और पीछे तो कुछ लिखवाया नहीं है, बाकी और कुछ है नहीं, ये दिखाता हूँ आपको रेस डायनामिक। ओके, तो काफ़ी तगड़े लग रहे हैं स्टिकर देखने में, कमेंट करके बता देना कि सही है कि नहीं है, और कमेंट करके ये भी बता देना कि आने वाले टाइम में क्या कर, मैं जब भी इसकी टेल टाइडी निकालने की सोच रहा हूँ ना, तो मौसम बेकार हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही, कभी कुछ हो रहा है। आज सुबह ही मैंने तुषार को बोला था कि भाई इसकी टेल टाइडी निकालेंगे, पर वो ये कि मौसम कभी बेकार हो जा रहा है, तो मैं इसे इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि पीछे कीचड़ फेंकेगी। ओके, ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि आप देख रहे हो, अब एक बार चला के दिखाएंगे आपको भी, चलाते दिखाने में जो आगे का स्टिकर है वो कैसा रेव होगा।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा ओके, और आपको पसंद भी आया होगा, कमेंट करके बता देना और कुछ स्टिकरिंग क्या करा सकते हैं और कोई मॉडिफिकेशन क्या करा सकते हैं। हाँ जी भैया कैसे हो? बढ़िया सही लग रही भाई? हाँ यार ओके है। ओके रिपोर्ट है, चलो थैंक यू भैया। ये अपना सौर्य भाई भी है यहाँ, इसकी फेस की मुस्कान देखो, देखो चमक देखो लंडे की, क्या बात है भाई देखो। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का। बाय।